हे अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम मल्टीयार। आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एग्स और ये हम यूज़ करेंगे 4 to 5, और उसके बाद हमें चाहिए पोटैटोज जो कि हमने 1/2 kg लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए मैदा जो कि हमने 2 tablespoons लिए हैं, और नेक्स्ट हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स जो कि हमने 2 or 3 tablespoons लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए धनिया और पुदीना, और उसके बाद हमें चाहिए अनियंस जो कि हमने 2 normal size में लिए हैं, और उनको इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये रहे हमारे स्पाइसेस, ग्रीन चिलीज ये हमने लिए हैं 2 or 3, और इस तरह से हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए सॉल्ट जो कि हमने 1 tablespoon लिया है। उसके बाद हमें चाहिए रेड चिली पाउडर में जो कि हमने लिया है 1 teaspoon। नेक्स्ट हमें चाहिए 1/2 teaspoon। उसके बाद हमें चाहिए ब्लैक पेपर, ये हमने लिया है 1 teaspoon। उसके बाद हमें चाहिए चिली फ्लेक्स जो कि हमने 1 teaspoon लिया है, और उसके बाद हमें चाहिए सूखा धनिया, ये भी हमने 1 teaspoon लिया है। सो ये रही हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। अब हमारे क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हम हमारे पोटैटो को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हमारे पोटैटोस अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। लेंगे हमारा मैदा, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अनियंस, इसके बाद हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, और अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्पाइसेस। अब हम इन सब मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारे डोनट्स। अब हम हमारे हैंड्स को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे डोनट्स बनाना। हमारा पोटैटो डोनट्स बिल्कुल रेडी है। अब हम बाकी भी इसी तरह से रेडी करेंगे। अब हमारे पोटैटो डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम हमारे डोनट्स की कोटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह एग में डिप करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। पोटैटो डोनट्स कोटिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हम इनको करेंगे फ्राई। पहले हम एक फ्राई पैन में ऑयल लेकर उसे हाई फ्लेम पर हीट अप कर लेंगे,
और उसके बाद हम अपने पोटैटो डोनट्स को फ्राई करेंगे। हम हमारे पोटैटो डोनट्स को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब हम हमारे पोटैटो डोनट्स को दोनों साइड से अच्छे से लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। अब हम हमारे डोनट्स को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। हमारे डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। Very crispy.